लंगूर। दोस्तों, इंसानों के बाद अगर किसी समझदार जीव की बात की जाए तो वो बंदर ही है, और साइंस ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, जो ये जाहिर करता है कि उनमें भी इंसानों की तरह फीलिंग होती है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट भारत में बंदरों के साथ किया गया था, जब बंदरों के पास एक रोबोट बेबी मॉन्की रख दिया गया। उसे अकेला देखकर एक मादा उसके पास आकर उसे बहलाने लगी। आमतौर पर लंगूर के बच्चे अपनी माँ को कसकर पकड़ते हैं, पर रोबोट होने की वजह से ये उस मादा के हाथ से गिर गया। उसे ना हिलता देखकर मादा को लगा कि उसकी गलती की वजह से इस बच्चे की जान गई है। वो उसे उठाकर रोने लगती है, और फिर कुछ देर बाद वो उसे उठाकर एक ऊंची जगह पर रख देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ, ये सब कुछ देखकर रिसर्चर्स की टीम भी चौंक गई। सारे लंगूर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, कुछ तो उसे सूंघने लगे और कुछ उसे हाथ लगाने लगे। ये सभी रिएक्शन बिल्कुल इंसानों की तरह था। वैसे जब कोई इंसान मरता है, उसकी फैमिली और जानने वाले उसके आसपास इकट्ठा होते हैं और उसका आखिरी दीदार करते हैं। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं, वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है, और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं